नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुडिंग की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिलासपुर के मंडी भराड़ी स्थित गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ा गतिविधियों का शुभारंभ किया है। क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को नए आयाम प्रदान करते हुए यहां पर क्रूज, शिकारा, राइड और साथ ही हाउस बोट, हाईटेक मोटर बोट और जेट स्कीज और साथ ही वाटर स्कूटर गतिविधियों को शुरू किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, इन गतिविधियों से पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ साथ स्थानीय युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। पर्यटन के साथ साथ इस नवीन पहल से स्थानीय व्यवसायों, विशेष रूप से महिला और छोटे उद्यमियों को स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री के लिए नया बाजार उपलब्ध होगा, जिससे उनकी आर्थिक सुदृढ़ होगी और बिलासपुर को पर्यटन स्थल के रूप में उभारने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि धार्मिक, ग्रामीण और इको पर्यटन के साथ साथ जल आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहित कर बिलासपुर को केरल और गोवा की तर्ज पर आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। जिले की नैसर्गिक सुंदरता, सांस्कृतिक धरोहर और साहसिक गतिविधियों को प्रदेश सरकार बढ़ावा दे रही है, जिसके फलस्वरूप प्रदेश के पर्यटन मानचित्र पर बिलासपुर अपनी एक विशेष पहचान बना रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के बहुआयामी प्रयासों के फलस्वरूप क्षेत्र के पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा। इस अवसर पर तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माड़ी, HPTDC के अध्यक्ष RS बाली और पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर, पूर्व विधायक बब्बर ठाकुर, तिलक राज शर्मा और बाबू राम गौतम और कांग्रेस नेता विवेक कुमार, जिलाध्यक्ष कांग्रेस अंचना थीमान, ADGP सतवंत अटवाल, उपायुक्त आबिद हुसैन भी उपस्थित थे। और नीतिगत परिवर्तन हमने किस प्रकार की इंडस्ट्रीज को लेकर जाना है, उस दृष्टिकोण से किया। पहले बजट में हमने कहा था कि हिमाचल के प्राकृतिक सौंदर्य, हिमाचल की झीलों, हिमाचल की वाटर बॉडीज पर अगर की सरकार की प्रथम प्राथमिकताओं में कोई होगी तो वो टूरिज्म होगा, पर्यटन होगा। और मुझे खुशी है कि अभी हमारी सरकार को 2 साल पूरा होने में अभी 1.5 महीना है और 31 तारीख को दिवाली का शुभ अवसर है। इस अवसर पर मैं हिमाचल वासियों को भी दीपावली की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन जो लोग हमारे हिमाचल के, काफ़ी लोग गोवा जाते थे, चंडीगढ़ हरियाणा के लोग गोवा जाते थे, क्रूज का आनंद लेते थे। हमने ये सुविधा आज बिलासपुर में उपलब्ध करवा दी है। हिमाचल प्रदेश में 75 साल में पहला क्रूज की कोई योजना यहाँ शुरू की आज़ादी के बाद की तो बिलासपुर है। जेट स्की है, शिकारा है, तो ये सब सुविधाएं हम करवा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालागढ़ के प्लासड़ा में स्थित API यूनिट का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया है। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि इस यूनिट को तैयार करने में 500 करोड़ से भी ज्यादा का खर्चा आया है और इस यूनिट को केंद्र सरकार ने हिमाचल सरकार के सहयोग से निर्मित करवाया, जिसके माध्यम से पूरे देश के फार्मा कंपनियों को एक एंटीबायोटिक दवाओं के रॉ मटेरियल तैयार करेंगे और पूरे देश में एंटीबायोटिक मेडिसिन के रॉ मटेरियल की 50% की मांग नालागढ़ से पूरी हो पाएगी। केंद्र सरकार के इस यूनिट का हिमाचल सरकार के सहयोग से निर्माण करवाया गया है। साथ ही इस यूनिट के शुभारंभ समारोह में हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान विशेष तौर पर उपस्थित रहे। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का विशेष तौर पर आभार जताया है और उनसे मांग की कि आयुष्मान योजना को भी 90-10 की श्रेणी में लाना चाहिए, ताकि हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार द्वारा 40 करोड़ रुपए हर साल आयुष्मान के लिए दिया जाता है और जबकि हिमाचल प्रदेश का बिल जो है वो 125 करोड़ से भी, आपको बताते चलने की, ज्यादा है। आपको बताते चलने कि हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार द्वारा 45 करोड़ रुपए हर साल आयुष्मान के लिए दिया जाता है, जबकि हिमाचल प्रदेश का बिल 125 करोड़ से भी ऊपर हो जाता है और बकाया राशि प्रदेश सरकार को खुद जमा करवानी पड़ती है। ये विभिन्न विभिन्न राज्यों में जो स्वास्थ्य संबंधित है, API यूनिट से संबंधित है,
बहुत सारी स्कीमों का शिलान्यास हुआ, विधिवत उद्घाटन हुआ। और जैसे बिंदल जी ने भी कहा, क्योंकि बिंदल जी जो है आयुर्वेदिक डॉक्टर है, तो ये आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस के बारे में बहुत ज्ञान है। आज खुशी की बात है कि हमारे आयुष्मान भारत जो केंद्र सरकार की हमारी स्कीम है, उसमें 70 साल से जो उम्र से जो लोग हैं उनको भी विदाउट एनी पेमेंट आयुष्मान भारत, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट उनकी इनकम क्या है, उसमें भी आज जोड़ा गया है। बहुत ये सौभाग्य की बात है, क्योंकि आज का दिन जो है वो धनतेरस का दिन भी है, आज धन्वंतरि जी का जन्मदिन भी है, और हम सबको खुशी है कि यहाँ विधिवत रूप से हमारे जो किन्वन का यूनिट है, जो 850 करोड़ रुपए की लागत से बना है, उसका आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने विधिवत उद्घाटन किया। हमारे हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, जो राष्ट्रीय में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी है, उनकी मौजूदगी में इन सब चीजों का जो शिलान्यास और विधिवत रूप से उद्घाटन। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिलासपुर में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है। ये पुस्तकालय कई सुविधाओं से सुसज्जित है। इसमें 40 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर उन्होंने ये भी कहा कि डिजिटल लाइब्रेरी में कई प्रकार की लगभग 2500 पुस्तकें उपलब्ध करवाई गई हैं, जिनमें ऑफलाइन माध्यम से पहली से बारहवीं तक की, आपको बताते चले कि एनसीईआरटी और सीबीएसई की पुस्तकें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कॉलेज के पाठ्यक्रमों, प्रतियोगी परीक्षाओं और कई शैक्षिक पुस्तकें डिजिटल लाइब्रेरी में पाठकों के लिए उपलब्ध होंगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि डिजिटल लाइब्रेरी पाठकों को टच स्क्रीन डिवाइस, सर्वर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से निःशुल्क पठन सामग्री उपलब्ध करवाएगी। इस लाइब्रेरी को एक स्मार्ट प्रबंधन प्रणाली RFID की तकनीक से सुव्यवस्थित किया गया है। पाठकों की सुविधा के लिए उन्हें आईडी कार्ड जारी किया जाएगा, जिसे लाइब्रेरी में प्रवेश करने के लिए स्कैन करना आवश्यक होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि भगवान धन्वंतरि के अवतरण दिवस पर, धनतेरस के शुभ अवसर पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा की मौजूदगी में हिमाचल प्रदेश को अनेक तोहफे प्रदान किए हैं। और प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के पहले बल्क ड्रग पार्क का लोकार्पण किया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स बिलासपुर में, मनाली में और चंबा में स्वास्थ्य की दृष्टि से अनेक कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। हिमाचल प्रदेश की जनता की तरफ से पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का कोटि कोटि धन्यवाद दिया है। और धन्वंतरि अवतरण दिवस के महान अवसर पर श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश को अनेकानेक सौगातें प्रदान की। चिकित्सा के दिवस पर, आयुर्वेद के दिवस पर जहां बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन किया, वहीं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर में, मनाली में और चंबा में चिकित्सा की दृष्टि से अनेक संस्थानों का शिलान्यास उद्घाटन किया। हम श्रद्धेय मोदी जी का कोटिशा आभार व्यक्त करते हैं। मोदी जी ने देश को एक नायाब तोहफा दिया। दीपावली के लिए पटाखों की बिक्री के लिए जिला प्रशासन ने स्थान निश्चित किए हैं। आपको बताते चलें कि आइस स्केटिंग रिंग शिमला, बालूगंज खेल मैदान, छोटा शिमला की तरफ से पीडब्ल्यूडी पार्किंग से आगे संजौली खलीनी बाईपास, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ग्राउंड समरहिन शिमला और साथ ही छोटा शिमला कसुमटी और अन्य स्थानों पर स्थान जो है वो निश्चित किए गए हैं। इसके अलावा अन्य स्थानों पर पटाखों की बिक्री करने वालों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की बात कही है। जिलाधीश शिमला अनुपम कश्यप ने बताया कि पटाखे जलाने के लिए रात्रि 8 से 10 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। सभी इस निश्चित समय अवधि में पटाखे जलाएं। उन्होंने ये भी बताया कि प्रदूषण न फैले, इसके लिए सभी विक्रेता ग्रीन पटाखे ही बेच रहे हैं। जो निर्धारित नियमों का पालन नहीं करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये भारतीय पटाखा है,
जिसे ग्रीन पटाखा बोला जाता है, चाइनीज का तो इसमें कोई भी पटाखा नहीं लगाया गया। और जहां तक पर्यावरण की बात है, स्वस्थ हिमाचल रहे इसलिए ग्रीन पटाखे का यहां पे स्टॉल लगा हुआ है। सभी पटाखे ग्रीन है, सभी पटाखे ग्रीन है, हिंदुस्तानी पटाखा है। लोगों को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोगों से खरीदारी ठीक चली हुई है। जैसे जैसे जो जो आपने अपनी मनपसंद की वैरायटी लेना चाहता है वो अपने मनपसंद की वैरायटी खरीद रहा है, ठीक चला हुआ है। हमारे पास ग्रीन पटाखे हैं सारे, पोल्यूशन फ्री है। दीपों के पर्व दिवाली को पटाखों से आगजनी की घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। इन घटनाओं से नुकसान को कम करने के लिए अग्निशमन विभाग ने कमर कस ली है। जिला में सभी पटाखा स्टॉलों के पास में अग्निशमन विभाग के कर्मचारी सेवा दे रहे हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना को समय रहते काबू किया जा सके। जिला सोलन में 4 फायर स्टेशन, 2 फायर पोस्ट और इन सभी को अग्निशमन गाड़ियां संवेदनशील स्थानों पर तैनात कर दी गई हैं। हमारे संवाददाता से बात करते हुए होमगार्ड के कमांडेंट संतोष शर्मा ने बताया कि दिवाली को लेकर विभाग तैयार है। सभी पटाखा स्टॉल पर अग्निशमन विभाग की तैयारी जो है वो तेज है और तैनाती भी यहां पर की गई है। अनुरोध रहेगा कि पटाखों का सीमित मात्रा में इस्तेमाल करें ताकि आगजनी की घटनाओं को जो है सीमित किया जा सके। लगभग डिस्ट्रिक्ट सोलन में 25 के लगभग हमारी गाड़ियां हैं जो फ्लावर्ड में। इतना ही, नमस्कार।